हेलो एवरीवन, इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टीगोलेक्टॉन के बारे में। दिस इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ अ फाइटो हार्मोन। ये है फोर्थ फाइटो हार्मोन जो कि हम डील कर रहे हैं। इससे पहले ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, जास्मोनिक एसिड, ये हम डील कर चुके हैं। दिस इज़ द फोर्थ फाइटो हार्मोन। सो लेट्स प्रोसीड। ओके, तो स्टीगोलेक्टॉन की अगर हम बात करें तो स्टीगोलेक्टॉन, ठीक है, लेक्टॉन वर्ड दिख रहा है, रुकिए मैं हाईलाइटर ले लेती हूँ। स्टीगोलेक्टॉन विच अकर इन अबाउट 80% ऑफ द प्लांट स्पीसीज, ठीक है, आर द ग्रुप ऑफ टार्पिनॉइड लेक्टॉन। ये टार्पिनॉइड लेक्टॉन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्कवरी की बात करें तो ऑल्दो ये जो स्टीगोलेक्टॉन है ये भी एक टाइप का फाइटो हार्मोन कंसिडर किया जाता है, डिस्कवरी की बात करें तो इट इज अ टार्पिनॉइड लेक्टॉन। ओरिजिनली इसको डिस्कवर किया गया था होस्ट डिराइव्ड जर्मिनेशन स्टिमुलेंट फॉर द रूट पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं, जो दूसरे प्लांट पे डिपेंड होके खुद को ग्रो करते हैं, उनको हम कहते हैं पैरासिटिक प्लांट। जैसे कि हो गया विच वीड, जिसे हम स्ट्रिगा कहते हैं, या फिर ब्रूम रेप्स, ठीक है। अब ये जो आपको मैंने प्लांट के यहाँ नाम मेंशन किए हैं, दीज ऑल आर दी पैरासिटिक प्लांट। तो देखा ये गया था कि जब ये अपने होस्ट के साथ एसोसिएशन में ग्रो हो रहे थे तो इनका होस्ट कुछ कंपाउंड को सिक्रीट कर रहा था, ठीक है, और उस कंपाउंड के सिक्रीशन की वजह से ये जो पैरासिटिक प्लांट्स थे इनके सीड का जर्मिनेशन होने लग रहा था। तो सम प्लांट दैट आर पैरासिटिक ऑन अदर प्लांट हैव स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ देयर सीड व्हेन इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द रूट ऑफ सूटेबल होस्ट। और ऐसा क्यों हो रहा था, क्यों वो जर्मिनेट हो जा रहे थे, मतलब पैरासिटिक प्लांट के सीड्स क्यों जर्मिनेट हो जा रहे थे जब वो अपने होस्ट के क्लोज एसोसिएशन में थे, क्योंकि उनका होस्ट कुछ सिक्रीट कर रहा था, ठीक है। सो स्टीगोलेक्टॉन वे डिस्कवर्ड इन द रूट एक्सुडेट्स ड्यू टू देयर एबिलिटी टू स्टिमुलेट द जर्मिनेशन ऑफ अ सीड ऑफ द पैरासिटिक प्लांट दैट इज स्ट्रिगा। तो स्ट्रिगा प्लांट को सबसे पहले देखा गया था कि स्ट्रिगा प्लांट के जर्मिनेशन में एक केमिकल हेल्प कर रहा है जो कि होस्ट साइट से सिक्रीट हो रहा है, और इसे ही हम कहते हैं दैट इज स्टीगोलेक्टॉन। लेक्टॉन वर्ड इसके ओरिजिन के कारण दिया गया क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, स्ट्रिगा प्लांट में पाया गया था, दैट इज वाई स्टीगोलेक्टॉन हमने इसको कहा है, ठीक है। तो इस ढंग से हमने देख लिया कि ये काम कैसे करते हैं, फाइन। नेक्स्ट आता है दैट इज द स्टीगोलेक्टॉन का बायोसिंथेसिस पाथवे। तो स्टीगोलेक्टॉन जैसे कि बोला गया है, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टीगोलेक्टॉन एज वेल एज जो हम आने वाले टाइम में एब्सेसिक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, तो स्टीगोलेक्टॉन एंड एब्सेसिक एसिड दोनों ही कैरोटीनॉइड डिराइव्ड प्लांट हार्मोन है। मतलब कि समहाउ आप ये कह सकते हो कि कैरोटीन इनका प्रीकर्सर मॉलिक्यूल बनता है, एंड दैट इज वाई हम इसे कहते हैं इट इज अ कैरोटीनॉइड डिराइव्ड प्लांट हार्मोन या कैरोटीनॉइड डिराइव हार्मोन, ठीक है। सो स्टीगोलेक्टॉन को डिराइव किया जाता है कैरोटीनॉइड प्रीकर्सर से, कैरोटीनॉइड प्रीकर्सर से, दैट इज इन केस ऑफ अ प्लास्टिड, प्लास्टिड में ये रिएक्शन देखा जाता है। इन द पाथवे दैट इज कंजर्व अप टू द सिंथेसिस ऑफ अ इंटरमीडिएट दैट इज द कार्लेक्टॉन एंड बियॉन्ड विच स्टीगोलेक्टॉन बायोसिंथेसिस डाइवर्जेस इनटू द स्पीसीज स्पेसिफिक मैनर। तो ये कार्लेक्टॉन जो है एक टाइप का आप कह सकते हो इंटरमीडिएट पाया जाता है जब हम इसके बायोसिंथेसिस प्रोसेस को स्टडी करते हैं। तो यू कैन सी हियर कि सबसे पहले अगर हम प्लास्टिड की बात करें, ठीक है, तो ये पूरा पिंक वाला एरिया साइटोसॉल है एंड दिस ग्रीन एरिया इज अ प्लास्टिड। तो बीटा कैरोटीन, ठीक है, बीटा कैरोटीन चेंज होता है 9-cis बीटा कैरोटीन में, 9-cis बीटा कैरोटीन से इसका कन्वर्जन होता है कैरोटीनल में, कैरोटीनल से ये चेंज होता है कार्लेक्टॉन में, और कार्लेक्टॉन क्या करता है, कार्लेक्टॉन से इसका कन्वर्जन होता है 5-deoxystrigol में, और ये कन्वर्जन में हेल्प करता है साइटोक्रोम P450, जिसको कि हम मैक्स वन भी कहते हैं। तो ये एक टाइप का एंजाइम हो गया जो कि कन्वर्जन में हेल्प करता है कार्लेक्टॉन टू 5-deoxystrigol में। अब ये जो 5-deoxystrigol है साइटोसॉल में बनता है एंड साइटोसॉल में ही और भी डिफरेंट टाइप के स्टीगोलेक्टॉन का सिंथेसिस करवाता है। अब कितना डाइवर्स यानी कितने वैरायटी ऑफ स्टीगोलेक्टॉन बनेंगे वो स्पीसीज टू स्पीसीज
बेसिस पे डाइवर्सिफाई हो सकता है, वैरी कर सकता है। और इस ढंग से हमने देख लिया कि फाइनली जो है द फाइनल स्टेज ऑफ स्टीगोलेक्टॉन सिंथेसिस एंड सिग्नलिंग अकर इन वेयर, अकर इन साइटोसॉल। तो शुरू हुआ था ये प्लास्टिड से, लेकिन जो फाइनल स्टीगोलेक्टॉन है वो कहाँ पर बना, दैट इज साइटोसॉल में बना। इस एंजाइम का नाम याद रखिएगा, थोड़ा यूनिक है, तो देर इज अ चांसेस कि शायद इस पे क्वेश्चन आ जाए, तो मैं यहाँ पे एक बार जो है दैट इज इसको मार्क कर देती हूँ, ठीक है, स्टार डाल देती हूँ मैं कि शायद ये आ सकता है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं स्टीगोलेक्ट्रॉन के सिग्नलिंग पाथवे के बारे में। तो सिमिलरली जो सिग्नलिंग पाथवे होता है वही 3 से 4 रिक्वायरमेंट होती है कि रिसेप्टर क्या हुआ, रिसेप्टर का नाम है D14 प्रोटीन, जिसे हम बोलते हैं ड्रॉप 14 प्रोटीन। लिगेंड का नाम वेरी ऑब्वियस स्टीगोलेक्ट्रॉन ही है, SL। सिग्नलिंग वही अपना पुराना वाला सिग्नलिंग, दैट इज 26S प्रोटियोजोमल डिग्रेडेशन पाथवे। तो देखा ये जाता है कि इसका जो रिसेप्टर है थोड़ा सा इसमें यूनिकनेस है बाकी सब के कंपेरिजन में। जो D14 प्रोटीन है इसे हम अल्फा बीटा फोल्ड हाइड्रोलेज भी कहते हैं, इसका सेकेंड नाम है, ठीक है। कैन नॉट बाइंड SL मॉलिक्यूल बट ऑल्सो हाइड्रोलाइज दी लिगेंड। तो ये इकलौता ऐसा रिसेप्टर है जो कि अपने लिगेंड से बाइंड करके लिगेंड को ब्रेक करने का काम करता है। अभी तक जितना भी हमने देखा सिग्नलिंग पाथवे, उसमें कहीं भी नहीं देखा कि कोई रिसेप्टर अपने लिगेंड को ब्रेक करवा रहा हो। लेकिन जब D14 अपने लिगेंड से बाइंड करता है, दैट इज SL मॉलिक्यूल से बाइंड करता है, तो उसको हाइड्रोलाइज कर देता है, तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है, विच इज क्यूरिशियल फॉर द नेक्स्ट स्टेप ऑफ सिग्नलिंग कैस्केड। और इसके ब्रेक होने की वजह से ऐसा नहीं है कि सिग्नलिंग पाथवे रुक जाता है, नहीं, जबकि वो इंपॉर्टेंट होता है, वो क्लीवेज इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो स्टीगोइलेक्ट्रॉन का एक एक्टिव फॉर्म जनरेट कर देता है जिसकी वजह से पाथवे रन हो पाता है। कॉमन मैकेनिज्म क्या है, कॉमन मैकेनिज्म वही है SCF कॉम्प्लेक्स वाला। SCF अगर नाम आपको पता ना चल रहा हो तो SCF क्या है, SCF का फुल फॉर्म ही होता है SKP1 क्यूलिन एंड FVOX कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों का बस एक ही मंत्र होता है, अंधेरा कायम रहे, यानी सीधी सी बात है कि जो भी इनहिबिटर होते हैं पाथवे के उनको पकड़ के उनके दैट इज सरफेस पे यूबिक्यूटिन्स को ऐड करना और उनका डिग्रेडेशन करवा देना 26S प्रोटियोजोमल पाथवे में। तो SCF कॉम्प्लेक्स का नाम आप बहुत जगह देखेंगे, बहुत सारे, जैसे सेल सिग्नलिंग हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, प्लांट हो गया, इन सब जगह पे SCF का आपको नाम देखने को मिलेगा। तो SCF कॉम्प्लेक्स नाम आते ही मतलब समझ जाना है कि यहाँ पे डिग्रेडेशन होने वाला है किसी प्रोटीन का, ठीक है। और ये काम करता है वियादी यूबिक्यूटिनेशन पाथवे, जो कि होता है प्रोटियोजोमल पाथवे। सो दिस इज अ फर्स्ट नोन केस वेयर द हॉर्मोन हाइड्रोलिसिस बाय द हाइड्रोलाइज्ड बाय द रिसेप्टर। ओके, इसको आप हाइड्रोलाइज्ड कर लीजिए, आई थिंक दैट वुड बी बेटर, ZED, हाइड्रोलाइज्ड बाई रिसेप्टर, ठीक है। इसको मैं करेक्ट करके तब आपके लिए PPT अपलोड करवा दूंगी। तो ये पहला ऐसा केस होता है जिसमें कि हार्मोन या फिर लिगेंड रिसेप्टर के थ्रू हाइड्रोलाइज किया जाता है। तो जरा सा समझ लेते हैं कि सिग्नलिंग चल कैसे रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप जिसमें कि क्या देखा जा रहा है, D14 प्रोटीन है, यानी दिस इज अ रिसेप्टर। इस रिसेप्टर के साथ क्या हुआ, ये रिसेप्टर नॉर्मली प्रेजेंट है, अल्फा बीटा फोल्ड हाइड्रोलेज को कहा जाता है। इसने इनकाउंटर किया स्टीगोलेक्ट्रॉन नाम की दैट इज लिगेंड को, जो कि इसके लिए स्पेसिफिक है। स्टीगोलेक्ट्रॉन से बाइंड किया गया, ठीक है, बाइंड किया इसने। बाइंड करने के बाद ये आकर बाइंड करता है एक कॉम्प्लेक्स के साथ। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स का नाम है, हमने देखा SCF कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो क्यूल सी का मतलब होता है क्यूलिन, तो क्यूलिन यहाँ पे ठीक ठाक है। SKP की जगह पर यहाँ पर PSK होता है, एंड एफ बॉक्स की जगह पे यहाँ पे होता है दैट इज MAX2A। इतना डिटेल याद नहीं करना है, बट दिस इज अ इमेज फ्रॉम अ वेरी स्टैंडर्ड बुक, दैट इज वाई आपको सारा डिटेल देखने को मिल रहा है, बट आपको इतना डिटेल याद नहीं करना है। आपको बस ये याद रखना है कि अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो ये इतना पूरा का पूरा एरिया ये डिग्रेड करने वाला कॉम्प्लेक्स है। बस हम इसको यही नज़र से देखेंगे कि एक डिग्रेड करने वाला कॉम्प्लेक्स है। इससे क्या करता है, इससे एक आकर दैट इज D14 यहाँ पर आकर बाइंड करता है, वो भी एक्टिवेटेड फॉर्म में। मतलब एक्टिवेटेड फॉर्म का मतलब क्या हुआ,
कि ये अपने दैट इज स्टीगोलेक्टॉन को ब्रेक करवा चुका है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, बाइंडिंग के बाद तो अब एक्टिवेट हो चुका है स्टीगोलेक्टॉन, तो यहाँ पे जो टारगेट होता है, ये टारगेट क्या होता है, यही टारगेट है यहाँ पे इनहिबिटर। तो अभी तक किसी बुक में इस टारगेट का या इस इनहिबिटर का नाम एक्सपोज नहीं किया गया कि इसका नाम क्या है, मतलब अभी भी आई थिंक ये इन प्रोसेस में है, अभी तक इसके नाम डिस्कवरी में नहीं आई है शायद, सो दैट इज वाई। तो देखने को ये मिला है कि ये जो टारगेट होता है, इस टारगेट से आकर D14 एंड स्टीगोलेक्ट्रॉन का कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद क्या होता है, इस टारगेट को दैट इज यूबीक्यूटीन टैग ऐड कर दिया जाता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है आप देखिए ये बाद में आकर ऐड होते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स है, अपने टारगेट प्रोटीन को डिग्रेड करने का काम करेंगे, तो ये सब डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स है। तो ये आए यहाँ पर जो है टारगेट प्रोटीन से बाइंड करवाया गया, साथ साथ में D14 एंड स्टीगोलेक्ट्रॉन ने भी बाइंड कर रखा है, और टारगेट प्रोटीन के ऊपर यूबीक्यूटिन ऐड कर दिया। यूबीक्यूटिन ऐड करने का मतलब हो गया स्वाहा, राइट, डिग्रेडेशन इसका हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि यानी ये टारगेट प्रोटीन ने इस पाथवे को रोक के रखा था। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर देखिए और ये स्ट्रक्चर देखिए, देखते ही साफ साफ समझ में आ रहा है कि काफी ज्यादा डिफरेंस है। ये जो इतना पोर्शन है ये क्लीव होकर निकल चुका है, और ये एक्चुअल में लिगेंड था, तो लिगेंड का क्लीवेज यहाँ देखने को आपको मिल रहा है, ठीक है, लिगेंड का यहाँ पे क्लीवेज आपको देखने को मिल रहा है। तो अब ये लिगेंड तो यहाँ पे क्लीव कर चुका है, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू कैन सी कि यहाँ पे स्टीगोलेक्ट्रॉन का ये क्लीव्ड फॉर्म है, एंड नाउ दिस क्लीव्ड फॉर्म इज एंटरिंग इन टू द डाउन स्ट्रीम पाथवे, और उसके बाद ये स्टीगोलेक्ट्रॉन मीडिएटेड रिस्पॉन्स करवाएगा प्लांट में, मतलब यहां से रिस्पॉन्स देखने को मिल जाएगा, और जो रिसेप्टर है वो वापस से रिसाइकल हो जाएगा, बिकॉज रिसेप्टर में तो वैसे भी कोई चेंज आया नहीं था, जो चेंज आया था दैट इज लिगेंड में आया था, और इस तरीके से सारा का सारा पाथवे रन हुआ, और इसीलिए हमने इस पाथवे को बोला यूबीक्यूटिन लाइगेज सिग्नलिंग या 26S यूबीक्यूटिन पाथवे, क्योंकि ये जो डिग्रेडेशन हो रहा है ये 26S प्रोटियोसोमल पाथवे से ही हो रहा है। ओके, तो बिल्कुल सिमिलर वही पुराना वाला ही है जो अभी तक हम सारे सिग्नलिंग पाथवे में देख रहे थे, सेम टू सेम वही पाथवे है। नेक्स्ट आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कि है ऑक्सिन स्टीगोलेक्ट्रॉन एंड साइटोकाइनिन का एक रिलेशन, ऑल्दो हमने साइटोकाइनिन अभी तक नहीं पढ़ा है बट मैं कोशिश करती हूँ आपको समझाने की। ऑक्सिन जो है स्टीगोलेक्ट्रॉन का एक एनालॉजी ले तो ऑक्सिन एंड स्टीगोलेक्ट्रॉन दोनों दोस्त हैं, यानी ऑक्सिन स्टिमुलेट करता है स्टीगोलेक्ट्रॉन के सिंथेसिस को, यानी आप कह सकते हो अगर मैं यहाँ पर लिखती चलूँ ताकि थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाएं, तो ऑक्सिन जो है स्टीगोलेक्ट्रॉन के सिंथेसिस को इनहेंस करता है यानी बढ़ाता है। स्टीगोलेक्ट्रॉन एक्टिवेट करता है BRC1 जीन को, स्टीगोलेक्ट्रॉन एक्टिवेट करता है BRC1 जीन को। BRC1 जीन क्या है, ब्रांच 1 जीन, विच इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विच इनहिबिट एंड सप्रेस एक्सिलरी बर्ड डेवलपमेंट, और ये क्या है, इट इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि एक्सिलरी बर्ड यानी जो लेटरल ग्रोथ एरिया होता है उसको इनहिबिट करता है, लेटरल ग्रोथ कह लीजिए या एक्सिलरी बर्ड कह लीजिए, ठीक है, उसको ग्रो लाइक ये देख सकते हैं आप, दिस इज अ लेटरल ग्रोथ, इन सबको रोकने का काम करता है दैट इज ब्रांच 1 जीन। इसके साथ साथ STL जीन नेगेटिव रेगुलेटर होता है CK सिंथेसिस का, यानी अगर मैं इसकी बात करूं इसके साथ साथ क्या करता है, CK यानी साइटोकाइनिन नाम के फाइटो हार्मोन को ये रोकता है। कैसे रोकता है, साइटोकाइनिन के सिंथेसिस के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं IPT जीन, और इससे सिक्रीट होने वाले एंजाइम का भी आपको नाम मालूम होगा जब हम साइटोकाइनिन पढ़ेंगे। तो स्टीगोलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसी सिंथेसाइजिंग जीन को ऑब्लिक एंजाइम को रिप्रेस कर देता है, इनहिबिट कर देता है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्योंकि यही जीन जो है साइटोकाइनिन का सिंथेसिस करवाने वाला था, तो अब ये जीन नहीं रहेगा तो साइटोकाइनिन का बायोसिंथेसिस ही नहीं होगा, और इसी तरीके से स्टीगोलेक्ट्रॉन CK को इनहिबिट करेगा। CK इनहिबिट BRC1 जीन। अब CK क्या करता है, CK का काम होता है कि अगर इन केस CK एक्टिव है, यहाँ स्टार लगा देते हैं, तो ये इनहिबिट करता है BRC1 जीन को। BRC1 जीन अगर इनहिबिट हो गया तो आपको पता है कि लेटरल ग्रोथ देखा जाएगा, क्योंकि ये लेटरल ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा था, तो हम कहते हैं CK जो है लेटरल ग्रोथ को इंड्यूस करता है, लेटरल ग्रोथ को
इंड्यूस करता है, ठीक है, एंड प्रिवेंट ऑक्सिन इंड्यूस्ड स्ट्रिगोलेक्टॉन सिंथेसिस। और इसी वजह से जो है ऑक्सिन फिर स्ट्रिगोलेक्टॉन का सिंथेसिस नहीं कर पाता है। अगर आपको याद हो तो मैंने एपिकल डोमिनेंस में आपको कहा था कि दो टाइप के प्लांट होते हैं, ठीक है। एक स्लाइड लेती हूँ मैं यहाँ पे, ओके। दो टाइप के प्लांट होते हैं, एक प्लांट वो जो काफी लंबी हाइट लेके रखते हैं और एक प्लांट वो जो कि लंबी हाइट नहीं लेते हैं, बहुत ज्यादा बूशियर होते हैं यानी घने होते हैं। तो ये प्लांट लंबे होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में होता है। ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन में होते हैं तो ये स्ट्रिगोलेक्टॉन का सिंथेसिस करवा देता है। स्ट्रिगोलेक्टॉन हाई कंसंट्रेशन में होता है तो ये BRC1 जीन का एक्टिवेशन करवा देता है। BRC1 एक्टिवेशन होने के बाद ये जो इधर से और ब्रांचिंग होने वाली होती है ना, उस ब्रांचिंग को ये क्या करता है, ये BRC1 आकर रोक लेता है, इनहिबिट कर देता है। एक्चुअल में ये पाथ पे चलता है, लेकिन पहली क्लास में अगर मैं आपको ये बताती तो आपको फिर समझ में नहीं आता, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट दिस स्ट्रिगोलेक्टॉन, ठीक है। आई थिंक अब समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक ऐसा प्लांट जो कि अच्छा खासा डेंस है, इसमें बहुत सारे लीव्स हैं, ठीक है, और ठीक ठाक ग्रो कर रहा है, बहुत सी ब्रांचिंग है, लेटरल ग्रोथ, मतलब ये लेटरल ग्रोथ यानी फैलना, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बेसिस पे चीजें ज्यादा मूव करती हैं, और दैट इज एपिकल ग्रोथ का मतलब होता है वर्टिकली मूव करना। तो ये अगर प्लांट है तो इसमें क्या देखा जा रहा है, इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा लो होता है। लो होने के कारण नो स्ट्रिगोलेक्टॉन, ठीक है, नो स्ट्रिगोलेक्टॉन यानी नो BRC1 जीन, और नो स्ट्रिगोलेक्टॉन का मतलब नो इनहिबिशन ऑफ CK, नो इनहिबिशन ऑफ CK इनहिबिट नहीं होगा तो CK प्रोड्यूस होगा, CK प्रोड्यूस होता है तो ये लेटरल ग्रोथ करवाता है। तो ये सारी कहानी बनती है, ये कैसे काम करते हैं, बुशियर बनाने में CK का काम होता है, एंड टॉल या फिर आप कह सकते हो कि एपिकल डोमिनेंस में ऑक्सिन का हेल्प होता है। तो एक्चुअल में ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन जो है कुछ खास इनकी बनती नहीं है, क्योंकि दोनों का एक्शन पूरा अपोजिट है और दोनों का एक्शन पूरा उल्टा भी, मतलब कि जहां पे ये रहेगा वहां पे CK नहीं रहेगा, जहां पे CK काम करेगा वहां पे ये काम नहीं करेगा। तो इस ढंग से ये दोनों के दोनों काम करते हैं, ओके। अब आ जाते हैं दैट इज स्ट्रिगोलेक्टॉन के फंक्शनिंग के बारे में कि ये काम कैसे करते हैं। सो दे प्रमोट द सिम्बायोटिक इंट्रैक्शन, स्ट्रिगोलेक्टॉन सिम्बायोटिक इंट्रैक्शन करवाते हैं विद द एर्बस्क्यूलर माइकोराइजल फंजाई। एर्बस्क्यूलर माइकोराइजल फंजाई के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन या ऑब्लिक इंट्रैक्शन करवाते हैं दैट इज स्ट्रिगोलेक्टॉन, फैसिलिटेटिंग द फॉस्फेट अपटेक फ्रॉम द सॉइल। और माइक्रोराइजर का काम क्या होता है, माइक्रोराइजर का काम होता है कि दैट इज अलग अलग एरिया से प्लांट के लिए न्यूट्रिशन लेकर आना, जैसे कि हो गया फॉस्फेट, ठीक है। तो फॉस्फेट का अपटेक करवाने के लिए हेल्प करता है माइक्रोराइजर, क्योंकि प्लांट का रूट या प्लांट का सिस्टम उतने दूर तक न्यूट्रिएंट को लेकर आने के लिए कैपेबल नहीं होता है। तो माइक्रोराइजल एसोसिएशन में क्या होता है, फंगल होने के कारण इसके पास बहुत सारे हाइफेन होते हैं, यानी वो अपना अच्छा खासा सरफेस एरिया बना लेते हैं, और जमीन के अंदर ही दैट इज इनसाइड द सॉइल वो अपना बहुत एरिया बनाने के बाद बहुत सरफेस एरिया कवर कर लेते हैं, और जितना भी मिनरल न्यूट्रिशन जो कि प्लांट के लिए नॉर्मली मोबिलाइज नहीं था उसको लेकर आते हैं। तो ये प्रोवाइड करते हैं दैट इज, या फिर फैसिलिटेट करते हैं अपटेक ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि हो गया फॉस्फेट का मोबिलाइज करवाना फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट रूट। इन एडिशन स्ट्रिगोलेक्टॉन सप्रेस द शूट ब्रांचिंग, अभी तो पढ़ाया आपको कि जो लेटरल ग्रोथ का शूट का जो ब्रांचिंग होता है उसको इनहिबिट करता है दैट इज स्ट्रिगोलेक्टॉन। स्ट्रिगोलेक्टॉन सप्रेस दी ब्रांचिंग एंड प्रमोट राइजोस्फियर इंट्रैक्शन। इसके अलावा स्ट्रिगोलेक्टॉन सप्रेस करता है दैट इज जो रूट एरिया में ब्रांचिंग होती है उसको सप्रेस करता है, एज वेल एज ये राइजोस्फियर के इंट्रैक्शन में भी हेल्प करते हैं। यानी राइजोस्फियर मतलब क्या हो गया, रूट वाला एरिया जहाँ पे इंट्रैक्शन चलता है, क्योंकि और ये शूट की ब्रांचिंग को कैसे इनहिबिट कर रहा था, बिकॉज ये BRC1 जीन को एक्टिवेट कर रहा था, और BRC1 जीन ब्रांचिंग यानी लेटरल ग्रोथ को इनहिबिट करता है। स्ट्रिगोलेक्टॉन हैव अ एनालॉग फंक्शन इन द रूट वेयर दे रिड्यूस एडवेंटिशियस एंड द लेटरल रूट फॉर्मेशन एंड प्रमोट द रूट हेयर ग्रोथ। तो रूट में हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, साथ ही साथ लेटरल
रूट के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, रिड्यूस करता है, राइट, एडवेंटिशियस रूट एंड लेटरल रूट के फॉर्मेशन को ये इनहिबिट करता है. नॉर्मल सी कहें तो साइटोकाइनिन जो है इट इज़ एंटागोनिस्ट ऑफ स्टेगोलेक्टॉन, दोनों में बनते नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ें ऑक्सिन की फ्रेंड होगी वो साइटोकाइनिन की फ्रेंड नहीं हो सकती है, सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों पूरा उल्टा काम करते हैं. स्टेगोलेक्टॉन आर थॉट टू एक्ट इन द कॉन्जुगेशन विद द ऑक्सिन ड्यूरिंग द एपिकल डोमिनेंस. ये तो हमको पता है कि स्टेगोलेक्टॉन जो है दैट इज ऑक्सिन के साथ कॉन्जुगेशन में काम कर सकता है जब ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस करवाता है प्लांट में. अरेबिडोप्सिस म्यूटेंट डिफेक्टिव इन स्टेगोलेक्टॉन बायोसिंथेसिस दैट इज मैक्स वन, जिसका फुल फॉर्म होता है मोर एक्सिलरी ग्रोथ वन, मैक्स थ्री एज वेल एज मैक्स फोर और सिग्नलिंग मैक्स टू, शो इंक्रीज्ड ब्रांचिंग विदाउट डीकैपिटेशन. तो अभी आपने देखा था कि स्टेगोलेक्टॉन के बायोसिंथेसिस में एक एंजाइम था जिसको हम कह रहे थे मैक्स वन. दिखा देती हूँ मैं, अगर आप भूल गए हो तो देखिए, ये रहा, ठीक है, ये रहा मैक्स वन. मैंने एक ही तो इसमें एंजाइम है, ज़्यादा तो एंजाइम है भी नहीं, एक ही एंजाइम है, ये रहा मैक्स वन. तो ये जो मैक्स वन है ये क्या काम करता है, ये काम कर रहा है स्टेगोलेक्टॉन का बायोसिंथेसिस करवाने में. तो बोला ये जा रहा है कि एक अरेबिडोप्सिस प्लांट जिसके अंदर ये मैक्स वन या फिर इसके जैसे जीन, जैसे कि हो गया मैक्स थ्री, मैक्स फोर या मैक्स टू, अगर इनका म्यूटेशन हो जाए या फिर ये डिफेक्टिव हो जाए तो प्लांट के अंदर ब्रांचिंग बढ़ जाती है, क्योंकि स्टेगोलेक्टॉन ब्रांचिंग को कम कर रहा था. तो एज बिकॉज ये एंजाइम अगर म्यूटेट हो गया तो क्या होगा, स्टेगोलेक्टॉन सिंथेसिस नहीं होगा, सिंथेसाइज नहीं होगा, तो वेरी ऑब्वियस ब्रांचिंग को रोकने के लिए वो ब्रांच वन जीन का एक्सप्रेशन नहीं करवा पाएगा और प्लांट के अंदर ब्रांचिंग देखी जाएगी. इनफैक्ट अगर आप उस प्लांट को मतलब टाइम टाइम पे ट्रिम भी नहीं करते हो तो भी उसमें दैट इज ब्रांचिंग देखी जाएगी, ठीक है. स्टेगोलेक्टॉन प्रमोट दी सिम्बायसिस विद दी अर्बस्क्यूलर माइकोराइजल फंजाई, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ फर्स्ट पॉइंट में, ऑल दो अर्बस्क्यूलर माइकोराइजल फंजाई का कंसेप्ट मैं अलग से भी लूंगी, ठीक है. एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड प्ले अ रोल इन अ प्लांट एडेप्टेशन टू दी ड्राउट एंड दी न्यूट्रिशन स्ट्रेस. तो STL जो होता है दैट इज स्टेगोलेक्टॉन या SLs भी आप कह सकते हैं, ये प्रमोट करता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन को एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन को, ठीक है. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के लिए भी ये हेल्पफुल होता है, तभी तो यहाँ पे बोला गया था कि ये राइजोस्फियर इंटरेक्शन में भी हेल्प करता है, और आपको पता है राइजोस्फियर वाले एरिया में ही नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. इट स्टिमुलेट द सीड जर्मिनेशन ऑफ पैरासिटिक प्लांट दैट इज कॉल्ड द स्टेगा, और इसी से तो इसको नाम मिला है दैट इज स्टेगोलेक्टॉन.